सभी को जय मसीह की। आज हम विवाह से पहले सेक्स के बारे में बाइबल क्या बताती है इस विषय पर या इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। बाइबल में ऐसा कोई यूनानी या इब्रानी शब्द का उपयोग नहीं हुआ जो कि निश्चित रूप से विवाह से पहले यौन संबंध की ओर संकेत करता हो। बाइबल बिना किसी विवाद के व्यभिचार और यौन अनैतिकता की निंदा करती है। परंतु क्या विवाह से पहले यौन को यौन अनैतिकता समझा जाना चाहिए? पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 का 2 के अनुसार इसका स्पष्ट उत्तर है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष के पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। इस पद में पौलुस कहता है कि विवाह यौन अनैतिकता के लिए निदान है। मेरे प्यारों, विवाह से पहले विवाह के बाहर यौन संबंध व्यभिचार है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7:2 में आवश्यक रूप से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि लोग को स्वयं पर आत्मा स्वयं नहीं है और बहुत से लोग विवाह से बाहर अनैतिक यौन में सम्मिलित है, इसलिए लोगों को विवाह कर लेना चाहिए, तब वे अपनी इच्छाओं को नैतिक तरीके से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पहला कुरिन्थियों अध्याय 7:2 स्पष्ट रूप से यौन अनैतिकता की परिभाषा में विवाह से पहले के यौन संबंध को सम्मिलित करती है। बाइबल के वे सारे वचन जो यौन अनैतिकता को पापपूर्ण मानते हुए निंदा करते हैं या विवाह से पहले यौन को पापपूर्ण मानते हुए निंदा करते हैं, विवाह से पहले यौन बाइबल की यौन अनैतिकता की परिभाषा में सम्मिलित है। पवित्र शास्त्र के ऐसे बहुत से वचन हैं जो विवाह से पहले यौन संबंध को पाप होने की घोषणा करते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 15:20, पहला कुरिन्थियों अध्याय 5:1, अध्याय 6:13 और 18 पद, अध्याय 10:8, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12:21, गलातियों अध्याय 5:19, एपिसियों अध्याय 5:3, कुलसियों अध्याय 3:5, पहला तेसलोनिकियों अध्याय 4:3 और यहूदा 7 पद। बाइबल विवाह से पहले पूर्ण आत्मा स्वयं को प्रोत्साहित करती है। एक पति और पत्नी के बीच यौन संबंध का ही वो प्रकार है जो परमेश्वर को मंजूर करता है। इब्रानियों अध्याय 13:4। मेरे प्यारों, बाइबल के अनुसार एक पति और पत्नी के बीच यौन संबंध होनी चाहिए। अगर विवाह से पहले या विवाह के बाहर अगर कोई ऐसे संबंध में है तो वो व्यभिचार कर रहा है और परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है। इसलिए आइए हम अपने आप को पवित्र रखें और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को ब्लेस करें।